जो आईएएस है रत्नू सिंह, उनके एसीबी ने रेड डाली है और काफी सारी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इससे पहले डीपी यादव, उनको अरेस्ट किया गया था रिश्वत लेते हुए। तो सहकारिता विभाग में काफी दिनों से जो करप्शन का मामला चल रहा था, वो भी कहीं ना कहीं, जो किरोड़ीलाल जी मीणा ने एक बार कहा था कि जेजेएम और मिड डे मील और कोऑपरेटिव, जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं उनका, और जो प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो पट्टे बांटे जा रहे थे, उनको लेकर किरोड़ीलाल मीणा जी ने एक बार कहा था कि इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। जो गृह निर्माण सहकारी समितियां जो पट्टे दे रही है, उन पट्टों में बड़ा घोटाला है। तो ये तमाम तार जोड़ते हुए, और देखिए ये कंपनी निम्बा हिड़ा से बनी थी, और आज इस कंपनी का टर्नओवर 2020 का जो है लगभग 500 करोड़ से ऊपर के टनल ओवरब्रिज बनाने का काम है इस कंपनी का, और ये पूरी तरह उदयलाल आंजनासी से जुड़ी हुई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये अगर इनकम टैक्स की रेड है, क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स जनरली रात को जो नज़दीकी होटल होती है जिस पर रेड डालनी होती है वो आके रुक जाते हैं और सुबह रेड डालते हैं, लेकिन ये शाम को डाली गई है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई और टेक्निकल पेच है जो अभी उजागर नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से जो कहा जा रहा है कि जो किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि चाहे पेपर लीक हो, और खुद प्रधानमंत्री जब राजस्थान की धरा पे आए तो उन्होंने कहा था कि अगर पाताल में भी छुपा होगा पेपर लीक करने वाला, क्योंकि सुरेश ढाका को आज तक राजस्थान पुलिस की न तो एसओजी पकड़ पाई है न पुलिस पकड़ पाई है, तो वो एक बड़ी चुनौती है सुरेश ढाका। तो अगर अब तमाम प्रेशरों के बाद अगर सुरेश ढाका पकड़ा जाता है, या मिड डे मील का जो मुख्य है कमलजीत राणावत, जो राजस्थान को छोड़ के और देश को छोड़ के किसी अफ्रीकन कंट्री में चला गया है, तो उसको पकड़ना है, तो कहीं ना कहीं ये जो करप्शन है वो अब इंटरनेशनल लेवल के हो चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ईडी इनकम टैक्स इनके बिना उन मुख्य अपराधियों तक पहुंचना शायद राजस्थान की पुलिस के लिए नामुमकिन हो। पूजा कपिल जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि अभी कुछ देर पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी महासचिव हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़े थे, हालांकि तिवारी साहब तो हैं ही हमारे साथ, उन्होंने एक बात कही कि इससे बीजेपी को कुछ फायदा नहीं होने वाला चुनाव में। तो ये चुनाव के फायदे के लिए रविंद्र जी किया नहीं जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक पारदर्शी, एक ईमानदार सरकार के रूप में चुना है, और उसको लगातार, आप अगर, पहली बात तो ये कि फिलहाल इस कार्रवाई से कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कार्रवाई, मैं ओवरऑल कह रही हूं, 9 साल में ईडी ने अगर 1,00,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की और इनके 10 साल के शासन में 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की, तो वो संपत्ति। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है डोटासरा जी। ये उदयलाल आंजना जी से ताल्लुक रखने वाली बताया जा रहा है कि चेतक एंटरप्राइज लिमिटेड उदयपुर में उसके ऑफिस पर कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को सर? ये इनकी ये जो बिजनेस है वो 35 साल से चल रहा है, कोई आज नया आया है क्या? इनको आप समय मिला क्या? इनको ये इनके बीजेपी के विजय रथ है ईडी इनकम टैक्स, और ये विजय रथ मान करके जनता के ऊपर इनको भरोसा नहीं है, इनको अपनी इन संस्थाओं के ऊपर भरोसा है। हाँ। और ये इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। करें, हमको डरने वाले थोड़ी हैं, आए डोटासरा साहब, ये तो बिल्कुल आप लोगों की तरफ से पहले भी कह दिया गया था कि जब चुनाव आएंगे तो इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की टीम आएगी, तो आपको पहले से अंदेशा था इस चीज का? नहीं नहीं, ये तो इनके लोग कहते रहते हैं, आज छापा पड़ेगा, आज रात को ईडी आएगी, कल रात को आएगी। मेरे यहाँ तो सुभाष मेहरिया जी सामने उम्मीदवार है, ये 3-4 रोज पहले से ही कह रहे थे कि देखना चुनाव रंगीन बन जाएगा, छापे पड़ेंगे और अपना चुनाव उठ जाएगा, कांग्रेस का चुनाव खराब हो जाएगा। तो अब ठीक है, इनको पता होता है, फिर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। आज जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कैलाश चौधरी से, हमारे यहाँ एमपी सुविधानंद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं कि ईडी बहुत सही काम कर रही है। तो ये कोई नड्डा जी और है क्या कोई ईडी? तो नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जिलों में मतलब प्रेशर करा के करा रहे हो कि ईडी बहुत सही काम कर रही है, आईटी बहुत सही काम कर रही है, तो फिर आपके भी बुलाओ ना एक दिन इन मेहमानों को। मीणा जी ने मेरे साथ जुड़े थे तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मंत्री और विधायकों के ऊपर भी अभी और कार्रवाई होगी, तो ये आप कैसे? तो वो आप किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ तय कर रहे हैं किसके ईडी का छापा पड़ेगा और किसके इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है, आप बताइए डोटासरा साहब, क्या
जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर इससे कुछ असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो और ज्यादा मजबूत होता है। जब मेरे ईडी की रेड भी तो 10,000 लोग थे मेरे गेट पे, हाँ, और नारे लगा रहे थे सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक। हाँ, मनोबल बढ़ता है इससे तो। और दूसरी तरफ जो जनता है पे भरोसा है, जनता कैसे देख रही होगी, आपको क्या लगता है क्योंकि आप जनता से जुड़े हुए नेता हैं, बताइए कि जनता इन कार्रवाइयों को कैसे देख रही होगी? क्या इसमें कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है या ईडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं? जी सर, जनता इनसे घृणा करने लग गई है कि ये गंदे लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं और ये कायर लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करके लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और आप देखना इसका रिजल्ट है, इनको मतलब रिजल्ट के बाद में घर ले जाने के लिए भाड़े के गाड़ियां नहीं मिलेंगी। नहीं, लेकिन सवाल ये कि भाई पेपर लीक हुए, अब पेपर लीक एसओजी ने जांच की, एसओजी ने जांच की, लेकिन अभी भी मुख्य जो कहा जा रहा है कि फरार चल रहा है, एसओजी ने अभी तक उसको पकड़ा नहीं। ईडी की टीम अगर आ रही है तो फिर बेचैनी कांग्रेस को इसलिए हो रही है कि असली गुनहगारों को बेचैनी हो रही है, ढाई साल से डर रहे हैं। ये तो किसको बेचैनी हो रही है आप बताओ ना, पेपर लीक वालों को पकड़ रहे हैं क्या? मेरे से तो एक भी सवाल नहीं किया पेपर लीक का, मैं मंत्री था। अगर मेरे घर ईडी आती है तो मेरे से बात करनी चाहिए ना कि तू मंत्री था, तूने कौन से पेपर किस तरीके से, क्या प्रोसीजर होता है क्या नहीं होता, वो बात करनी चाहिए ना मेरे से। अभी उदयलाल आंजना जी का क्या, अगर आप बताना चाहें, क्या फोन वगैरह आपके पास आया है या आपने उनको कुछ किया है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, कुछ आप जानकारी शेयर करना चाहें तो? एक चैनल से जुड़े थे तो मैंने उनकी बात सुनी थी जी। वो कह रहे हैं मैं तो फील्ड में था और किसी मेरे मित्र का फोन आया कि मेहमान आए हुए हैं केंद्र वाले। तो आपने कैसे किया था मेहमानों का स्वागत, पूरा दिन घर पे रहे थे तो? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरे जैसे रूखा सूखा खाना था वो मैंने खिलाया, चाय पिलाई। हाँ। अब वो अपना बेचारे काम करके, आराम से काम करके गए, जो उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे बार बार दिल्ली से। हाँ। वो इंस्ट्रक्शन की पालना कर रहे थे। ये बड़ा मुझे आरोप लगा रहे हैं, लोगों से जो लोग आए, फोन आ रहे थे उनके पास क्या दिल्ली से, आप ये कह रहे हैं? जो 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 लोग आए बार बार आ रहे थे, एक बार थोड़ी आ रहे थे, कम से कम भी 50 से भी ज्यादा आए होंगे। हाँ। तो खैर वो जो जो लोग आए वो मुझे उनके बारे में कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने अपना काम ईमानदारी से अच्छी तरीके से किया, पूरे घर को सर्च किया, जिसके बयान लेने थे उनके बयान लिए गए, उनकी तरफ से कोई इस तरह का नहीं था, बट उनके पास कुछ था नहीं कि भाई हम इतनी देर में समाप्त कर दें ये कर दें, वो ऊपर से पूरा का पूरा प्रेशर आ रहा था, ये पूछो ये पूछो और रुको। अच्छा। और रुको करते करते रात को 9 बजे। तो मेहमानों को दोबारा आने का न्योता दिया है क्या आपने? वो तो अब उनकी मर्जी है, वो भेजेंगे तो आएंगे, मैं तो 100% मान के चल रहा हूँ। आप के लिए तैयार हैं? रिश्तेदारों को परेशान करेंगे? अच्छा, एक 100% तैयार हूँ मैं तो। एक बहुत अच्छी आपकी बयान कहें या एक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हमने भी लगा था उसको चलाया कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जब कार्रवाई शुरू हुई जो इकट्ठा हो रहे थे समर्थक उनको आह्वान करते हुए कहा कि भाई ये ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम करिए शांतिपूर्वक तरीके से, इनको करने दीजिए। बिल्कुल। और हाँ, ये बड़ा अच्छा संदेश था, इसलिए ये आप, ये तो मैं आज भी कहता हूँ कि अगर कोई भी एजेंसी आती है और वो अपना काम करती है तो उसको करने देना चाहिए ईमानदारी से, उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है उनको भेजना तो हो सकता है बीजेपी की तरफ से भेजा जा सकता हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि वहां पर ऐसी गुंजाइश नहीं है कि चाहे जो गलत करके चले जाएं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी, उनमें विश्वास था कि जो लोग आए हैं वो हम में से ही कोई लोग हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भेजा गया है तो वो जो भी उनको जांच करनी है करें, जो सर्च करनी है करें, तो उसमें तो हमको सहयोग करना चाहिए, ये तो हमारी ड्यूटी बनती है प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की, और हमारे संविधान यही कहता है, हमको यही सिखाता है। हमारे जयपुर स्टूडियो में पैनल में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनमें से बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, एक तो ये बात निकल कर आई सामने कि जो चेतक एंटरप्राइज लिमिटेड है उसका 500 करोड़ का टर्नओवर अभी पिछले साल का रहा है, दूसरी तरफ ये भी बात निकलकर सामने आई कि जल जीवन मिशन हो, एमडीएम यानी मिड डे मील हो, या प्रशासन शहरों के संग सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, कल भी कुछ कार्रवाई हुई है कर्मचारियों पर अधिकारियों पर, तो उसी कड़ी में ही सहकारिता विभाग के
को लेकर, कुछ गड़बड़ियों को लेकर ये कार्रवाई उदयलाल आंजना जी के ऊपर की जा रही है, उनकी कंपनी पर की जा रही है? नहीं नहीं, देखो ये तो मतलब बहुत जल्दीबाजी होगा कि किस मामले को लेकर के क्या कार्रवाई है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो इनकी टाइमिंग है, ये इनकी टाइमिंग है वो केवल चुनाव में डिस्टर्ब करने की टाइमिंग है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की टाइमिंग है कि देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नेता भ्रष्ट हैं और हमको वोट दीजिए और हमारा राज बनाइए। ये जो टाइमिंग और जो इनका जो मकसद है वो गलत है। बाकी कोई भी एजेंसी जांच करे साहब, जिसकी इनकम होगी इनकम टैक्स भी आएगा, जिसकी कोई शिकायत होगी FIR होगी तो ED भी आएगी, CBI की अगर कोई होगी तो CBI भी आएगी। तो इसको तो हम किसी इस रूप में लेते हैं कि ये हमारे देश की प्रीमियर संस्थाएं हैं, इनके ऊपर हम किसी तरीके का डाउट नहीं करते। लेकिन केंद्र की सरकार और BJP के नेता 5 दिन पहले कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ रेड बढ़ने वाली है, हम निपटा देंगे तेरा चुनाव, और उसके बाद में वो आ भी जाते हैं और दूसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि कुछ भी नहीं मिला होगा, लेकिन ये सही कर रहे हैं। ये है दिक्कत। डोटासरा जी के जब सीकर आवास पर, सीकर के ठिकाने पर छापा पड़ रहा था तो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में की गई, सचिन पायलट की तरफ से ACC दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गोविंद सिंह डोटासरा एज अ PCC चीफ क्या उदयलाल आंजना जी को संबल देते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर पार्टी के? 100% मैं उदयलाल आंजना जी को नहीं, मैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के साथ में खड़ा हूँ और 101% पूरा सपोर्ट हमारा है कि हम सत्य के साथ में हैं और सत्य के साथ रहेंगे। इन लोगों से कायर लोगों की जो कायरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है उससे न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं की आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूं कि उठ खड़े हो इस जुल्म के खिलाफ। इस प्रजातंत्र को लोगों ने अपने खून से सींचा है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। हमारी ये खूबसूरती है हमारे देश की विश्व में कि हमारा प्रजातंत्र अच्छा है, इसको ये लोग जो दागदार बना रहे हैं, इन लोगों को जो है वो सबक सिखाने के लिए वोट का जो इस्तेमाल है वो वोट से करें, IT और ED से नहीं, बल्कि वोट से फैसला करें कि देश में कैसे लोगों का शासन रहना चाहिए। बिल्कुल, ये तो चलता ही रहेगा डोटासरा जी। और लेकिन ये बताइए कि CEC की मीटिंग होनी है, टिकट भी फाइनल हुए हैं, दिल्ली आप पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहुंच जाएंगे शाम तक दिल्ली ना? कल स्क्रीनिंग हमारी, अभी मतलब दिल्ली पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में आप? कल। अच्छा कल पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह डोटासरा, न्यूज 18 राजस्थान से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विस्तार से बात की, कहा कि उदयलाल आंजना के साथ नहीं बल्कि कार्यकर्ता जितने भी कांग्रेस के हैं सबके साथ पार्टी खड़ी हुई है, या आए हैं कुछ नहीं मिलेगा वापस चले जाएंगे जल्दी से। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जो पैनल पे सभी साथी जुड़े, वक्त मेरे पास इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा चारों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।